दिल्ली अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग 248 ए पर स्थित मोहम्मद बास गांव के समीप सड़क किनारे खड़े पानी के टैंकर में बाइक जा घुसी, जिससे बाइक सवार दो युवाओं में से एक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई तथा दूसरे ने नलहड़ मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर अलग अलग अस्पतालों से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के हवाले कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक महेंद्र पुत्र रामोतार गांव नया जिला दौसा राजस्थान उम्र 20 साल सतीश दिल्ली से बाइक पर सवार होकर अपने गांव रक्षाबंधन के अवसर पर बहनों से राखी बंधवाने जा रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक मोहम्मद बास गांव के समीप पहुंची तो वहां सड़क किनारे पानी का टैंकर खड़ा था जिसमें बाइक टकरा गई। दोनों चचेरे भाइयों की इस हादसे में जान चली गई। आरोप है कि पुलिस देर से पहुंची तब तक दोनों युवक तड़पते रहे। एक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि दूसरे ने नलहड़ मेडिकल कॉलेज पहुंचने के बाद दम तोड़ दिया। फिरोजपुर झिरका पुलिस ने पानी टैंकर मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और ट्रैक्टर सहित पानी टैंकर को कब्जे में ले लिया है। पुलिस जल्द ही आरोपी टैंकर मालिक को गिरफ्तार करने की बात कह रही है। मामला बुधवार देर रात करीब 8 बजे का बताया जा रहा है। पुलिस ने गुरुवार को दोनों शवों का पंचनामा कराकर परिजनों के हवाले कर दिया। नया गांव जिला दौसा में घटना के बाद मातम पसरा है। एक तो दोनों चचेरे भाई थे, दूसरा बहने ही नहीं पूरा परिवार रक्षाबंधन पर बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों भाई जीवित नहीं पहुँच सके। उनके शव रक्षाबंधन के दिन घर पहुँचे।